हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सक्षम आईएएस इंस्टीट्यूट में। मैं मदन धाकड़ आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से महत्वपूर्ण है, आईएमपी टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आपको अंतर पता भी होना चाहिए। तो आज हम इनके अंतर के बारे में समझेंगे और आपने पिछले वीडियो भी सारे देखे हैं, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है, तो आप इस तरह से कंटिन्यू वीडियो देखते जाइए और मैं पूरे के पूरे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, सारे एमसीक्यू भी आपके लिए लेके आऊँगा और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और संभावित क्वेश्चन जो आज आने की संभावना है वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डीएनए आरएनए में अंतर है। तो देखते हैं डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर। तो मैं अंतर की बात कर रहा हूं तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं डीएनए और एक तरफ लिख लेते अपन आरएनए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब ध्यान से देखना है इसको, यह कहां पाई जाती है, उपस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। उपस्थिति आपको याद कैसे करना है थोड़ा वो भी मैं ट्रिक से समझाऊंगा। डीएनए कहां कहां उपस्थित होता है तो आप बोलोगे केंद्रक में उपस्थित होता है, आपको ये पता भी है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रक में अगर पूछे केंद्रक में कहां है तो आप बोलोगे गुण सूत्र में, कहां मिलेंगे गुण सूत्र में, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको ये कहां मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये काम मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए का आप सीधा सीधा बोलोगे उपस्थिति, तो आप बोल दोगे यहां पर कि यह पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म का क्या मतलब हो गया यहां पर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कहां पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में, तथा कम मात्रा में, कम मात्रा में ये कहां मिलेगा न्यूक्लियोलस, जिसको आप बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और कहां मिलेगा आपको केंद्रक में, केंद्रक में न्यूक्लियस, ये कम मात्रा मिलेगा। और अधिक मात्रा में आपको कहां मिलेगा ये अधिक मात्रा में मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म में। ये पहले पॉइंट की बात हो गई, ये बहुत ज्यादा एमपी है। दूसरी बात कर लेते हैं, ये पहली बात हो गई, दूसरी बात हम कर लेते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं हम यहां पर, तो इसमें क्या पाया जाता है तो आप बोलोगे डीऑक्सी राइबो सुगर पाई जाती है, इसमें क्या पाया जाता है राइबो सुगर पाई जाती है, राइबो सुगर पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपको समझ में आ गए, इसमें केंद्रक में गुणसूत्र में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, आप याद रखना साइटोप्लाज्म में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जबकि केंद्रिका और केंद्रक में कम मात्रा में पाया जाता है। कभी पूरा नाम भी पूछे तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है तो आप बोलोगे डीऑक्सीराइबोज, और इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है तो आप बोलोगे राइबो शुगर, आपको इतना समझ में आया हो, आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें आप बोलोगे कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो यहां पर भी मिलेगा आपको नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन बेस के रूप में आपके पास रहेगा एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो यहां पर नाइट्रोजन बेस के रूप में आपके पास क्या रहेगा एडिनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, और ग्वानिन, ठीक है। यहां पर एडिनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, यहां पर एडिनिन यूरेसिल से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
आगे बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो आप पांचवें पॉइंट में लिखोगे यहां पर नाइट्रोजन बेस यानी प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन या पायरिमिडीन का जो दोनों का रेशो होता है, दोनों का जो रेशो होता है वो इक्वली होता है या समान अनुपात में होता है, समान अनुपात में होता है, अनुपात में होता है। यहां पर ऐसा नहीं होता है, आरएनए की बात करोगे तो यहां समान अनुपात में नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन बेस का रेशो, नाइट्रोजन बेस रेशो अर्थात प्यूरीन और पायरिमिडीन का रेशो समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया है। तो नाइट्रोजन बेस प्यूरीन और पायरिमिडीन का जो रेशो होता है वहां समान होता है, पर यहां पर नाइट्रोजन बेस का रेशो समान नहीं होता, अर्थात जितना प्यूरीन होगा उतना पायरिमिडीन होगा, पर यहां पर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद और बात करते हैं यहां पर जो छठा पॉइंट होगा, तो आप बोलोगे कि यहां पर नाइट्रोजन बेस यानी ए रेशो टी इज इक्वल टू टी वन होगा और ग्वानिन साइटोसिन का रेशो भी वन होगा। मतलब ये रेशो जो सो आप समझ रहे हो, एडिनिन थायमिन का रेशो वन होगा और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशो भी वन होगा, परंतु यहां पर ऐसा नहीं होता, परंतु यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इतने डिफरेंस आपको पता चल गए, केंद्रक में मिलेगा ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। दूसरी बात करते अपन साइटोप्लाज्म की, तो ये कोशिका द्रव्य में मिलेगा, केंद्रिका केंद्रक में मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। फिर हम बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर के रूप में एडिनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन होगा, यहां पर एडिनिन यूरेसिल साइटोसिन और ग्वानिन होगा, और यहां पर एडिनिन थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, और यहां पर क्या होगा, एडिनिन यूरेसिल से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड मैंने कल ही बता दिए थे कौन से थे, ये थे हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, तो यहां प्यूरीन और पायरिमिडीन का रेशियो जो होता है इक्वली होता है, परंतु यहां पर यानी आरएनए में इक्वली नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं एडिनिन थायमिन का रेशियो वन होता है और ग्वानिन साइटोसिन वन होता है, परंतु यहां पर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए डीएनए जो होता है, सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, यह डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है, और आपको यह भी पता है कि आरएनए एक सिंगल हेलिक्स मॉडल है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, कौन को कैसा मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, कल हमने पढ़ा था, इसके दो स्टेट थे, एक दूसरे से नाइट्रोजन बेस की सहायता से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, परंतु यहां पर क्या था, केवल और केवल एक स्टेट था जो कि मोड़कर ऊपर से नीचे आया था और आपस में नाइट्रोजन बेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहां डबल हेलिक्स मॉडल है और सिंगल हेलिक्स मॉडल है। फिर आगे बात करते हैं आठवां पॉइंट डीएनए के बारे में, तो यह क्या हो सकता है पॉइंट, यह एक अच्छा हां ऐसा बोल सकते हैं, यह दो न्यूक्लियोटाइड या टू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेट से मिलकर बना है और ये एक अच्छा दो यहां पर पॉली लगा लेना, पॉली दो पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेट से मिलकर बना है और यहां पर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या सीरीज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं,
ये, और इसमें देख सकते हैं कि यह डीएनए कितने प्रकार का होता है, डीएनए डीएनए एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है। उसी प्रकार आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए तीन प्रकार का होता है। आपको यह भी पता होगा कि तीन प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। इनके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। लास्ट पॉइंट बच जाता है, दसवां पॉइंट, हम बोलेंगे कि डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का क्या मतलब हो गया यहां पर, स्वगुणन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, दसवां पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, या बोल सकते हैं आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इतना डिफरेंस हो गया, इससे ज्यादा डिफरेंस आरएनए और डीएनए के बीच में नहीं होता है। परंतु नोट में एक बात और लिख सकते हैं हम, ये 10 पॉइंट आपको पता हो गए होंगे, थोड़ा सा हटा देता हूं और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो भी बता देता हूं, क्या हो सकती है वो देख, नोट में एक बात लिख लेना, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए बनाता है प्रोटीन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंस जो होता है डीएनए और आरएनए के बीच में इतना ही रहता है, और आगे जो हम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका है, और एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनके बीच में डिफरेंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।